191 लाख टन प्याज का अनुमानित उत्पादन घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस वर्ष खरीफ प्याज का उत्पादन 3,61,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस ने घोषणा की है कि किंग चार्ल्स ने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को नई सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया है। आम चुनावों के परिणामों में लेबर पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। स्टार्मर के नेतृत्व में पार्टी ने 412 सीटें जीतकर कंजर्वेटिव पार्टी के 14 वर्ष के शासन को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में श्री स्टार्मर ने श्री ऋषि सुनक की प्रशंसा की और उनके नेतृत्व में सरकार के कड़े परिश्रम और समर्पण को सराहा। इससे पहले श्री सुनक ने इस्तीफा देने के बाद संक्षिप्त भाषण में कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के दौरान ब्रिटेन 2010 के तुलना में 14 वर्ष में अधिक समृद्ध, निष्पक्ष और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के नेताओं ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को बधाई दी है। केरल में आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए नीति आयोग का संपूर्णता अभियान आज पलक्कड़ जिले के कोलनगोडे ब्लॉक और इडुक्की के देवीकुलम ब्लॉक में शुरू हुआ। अभियान में स्वास्थ्य शिविर, मृदा परीक्षण जैसे विभिन्न शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान कल पलक्कड़